मॉर्निंग, सो इट इज़ डे टू इन क्वालालंपुर और आज दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है. अभी 7 o'clock हो रहे हैं एंड वी आर हियर फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज हम एक और सिटी जा रहे हैं जिसका नाम है लंकावी एंड उसके लिए हमारी 12 बजे की फ़्लाइट है. तो थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके लेट्स हेड टू द एयरपोर्ट. सो फॉर वेजिटेरियंस ब्रेकफास्ट में देर इज रेड बीन बाओ, देर इज स्पिनच बाओ ऑल्सो, देर इज अ फ्राइड बटर राइस एंड इडली है पर सांभर नहीं है, सो यू कैन हैव इट विथ योगर्ट. देन देर आर कट फ्रूट्स और उसके अलावा टी कॉफ़ी एंड जूसेस वगैरह है. तो ये सब करके रेडी होते हैं एंड देन लेट्स हेड टू द एयरपोर्ट. क्वालालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है और अभी हमारी यहाँ से है लंकावी की फ्लाइट. सो लंकावी भी क्वालालंपुर के जैसे एक सिटी है विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल आइलैंड्स, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ एंड ड्रीम फॉरेस्ट. सो लेट्स गेट द सीरीज एंड द वीडियो स्टार्टेड. Finally reached Lankavi और Lankavi में we are staying at this property called as the Bayview Hotel और ये hotel भी एकदम main Lankavi city center में है. और यहाँ से जो major attractions है जैसे Eagle Square is just 10 minutes walking distance, Maha Tower तो hotel के बिल्कुल सामने ही है और पूरा market and then Dream Forest Lankavi वगैरह काफ़ी सारी attractions hotel के पास ही है. और इस होटल में हमें 2 दिन का स्टे पड़ा 8,500 रुपीज़. और यहाँ पे मैंने देखा है कि हर दिन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट का कुछ टैक्स कटता है. लंकावी में इट इज़ 18 रिंगिट पर डे और क्वालालंपुर में इट वॉज 10 रिंगिट पर डे. एंड अभी आई विल ऑल्सो क्विकली गिव यू द रूम टूर. सो मशरूम विद अ बाथटब और दिस इज़ बेसिकली अ डीलक्स रूम और ये 12th floor पर है. एंड मैंने पर्सनली माउंटेन फेसिंग रूम बुक किया था और इसकी विंडो से कुछ ऐसा व्यू है विच इज़ नाइस, काफ़ी अच्छा व्यू है. हाय मम्मी. हाय. और हमें पर्सनली लंकावी का ये बेव्यू होटल ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आइबिस होटल जो हमने क्वालालंपुर में बुक किया था. एक तो वहाँ पे सर्विस वगैरह भी खुद को ही करनी थी, लगेज को कैरी करना लेके जाना वो सब कुछ खुद से था. यहाँ पे द स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, सर्विस वगैरह भी वो सब कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा होटल है, व्यू भी अच्छा है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है. सो आवर फर्स्ट स्टॉप इन लंकावी इज़ द ईगल स्क्वायर एंड वो हमारे होटल जो बेव्यू होटल है उससे 10 मिनट्स की वॉक है. लेट्स गो. दातार लांग जिसको दी ईगल स्क्वायर भी कहा जाता है और ये लंकावी की टॉप मोस्ट अट्रैक्शन में से एक है. वर्ड लंकावी इज डिराइव फ्रॉम दिस रेड बैक ईगल रूलिंग द स्काइज अबव द आइलैंड. देयर इज नो एंट्री टिकट टू विजिट दिस प्लेस. ये जो ईगल का स्ट्रक्चर है इट इज स्टैंडिंग आगे, यू कैन क्लियरली एंजॉय द अंडमान सी का खूबसूरत सा. इस ईगल स्क्वायर के ठीक सामने यू कैन ऑल्सो एंजॉय द महा टावर का व्यू. और ये जो महा टावर है ये रिसेंटली ओपन हुआ है लंकावी में जहाँ पे हम कल जाएंगे. सो आई एम करंटली एट द ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी
और यहाँ पे बेसिकली लाइट और साउंड शो होता है एक रेन फॉरेस्ट में. सो इट्स अ टोटल ऑफ 1.2 किलोमीटर ट्रेल जिसमें स्टोरीज बताई जाती है ऑफ द लेजेंड्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल आइलैंड लंकावी. देयर वाज अ गार्डियन जिनको सैंड गैडरबाई कहा जाता है, उनकी लव स्टोरी को यहाँ पे डिपिक्ट की गई थी है. एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ दिस ब्यूटिफुल आइलैंड. ही वाज आल्सो नोन एज द कीपर हु केप्ट द बैलेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, फेरी एंड मैन. और उनकी को स्टार्स की लव स्टोरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो के थ्रू डिपिक्ट करी गई है. सो दिस लाइट एंड साउंड शो हैपेंस एवरी डे फ्रॉम 7 PM टिल 12 AM. एंड देखते हैं अंदर कैसा है. Mother Tree sends her energy to the entire forest, protecting the trees and plants and all living creatures inside it. तो यहाँ पे अभी आधी ट्रेल हो चुकी है और एक स्टॉप लिया है और यहाँ पे एक कैफ़े भी है और सुवेनियर्स वगैरह इन केस आप आपको ख़रीदना है तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो. ऊपर ऐसे यहाँ पे ट्री हाउस बना रखे हैं फ़ोटोज़ के लिए, बच्चों के लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. और जो इसकी टिकट्स है वो है 38 मलेशियन रिंगिट फॉर एडल्ट्स. So the lanterns or the hanging bulbs that you're seeing behind me are made from the plastic cups. So just got done with the Dream Forest Langkawi. I personally felt ki thoda sa overhyped jagah hai. No doubt ki sound show aur light show to kafi acche the, par wo pure forest mein nahi the. और कुछ कुछ ट्रेल के पार्ट्स में उन्होंने अच्छे से इट वाज ऑल ब्यूटीफुली लिट अप. और वो लाइट्स भी वो अमेज़ॉन पे जो एलईडी लाइट्स मिलती है वो वाली लगा रखी थी. बाकी इससे बेटर है कि चेनांग बीच पे जाके यू कैन एन्जॉय दी फायरवर्क्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो वो हम लोग कल करेंगे. तो आप चाहो तो यू कैन स्किप दिस प्लेस ऑल्सो.